बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत स्टाफ नर्सों ने अपने बकाए मानदेय की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के दौरे पर आए शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करते हुए अपना मांग पत्र सौंपा तथा बकाए मानदेय के भुगतान की मांग की, जिस पर मंत्री ने नर्सों को उचित आश्वासन दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नर्स का प्रतिनिधित्व कर रही शालिनी मिश्रा ने बताया। हमारा मानदेय नहीं मिला हुआ है, ना ही हमारा नवीनीकरण हुआ है। प्रेजेंट टाइम में हम यहाँ के स्टाफ नहीं है। हाँ, जब नवीनीकरण नहीं हुआ है इसका मतलब हम कुछ नहीं है, उसी वजह से हमारा मानदेय भी लटका हुआ है। तीसरे 4 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारा अनुबंध कोई कहता है 18,194 पे हुआ है, कोई कहता है 21,000 पे हुआ है, खाते में हमारे 13,000 आते हैं। और एक मजदूर की भी सैलरी 4 साल में बढ़ती है, उनका भी मानदेय जो भी दैनिक भोगी होते हैं बढ़ता है, जो फावड़ा कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे साथ अभी आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोग काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। करंट हुआ तो काम किस तरह का? पता नहीं कैसे काम कराया जा रहा है। काम कराया जा रहा है बस सर, काम इतना कराया जा रहा है कि हम लोग के हो जाता है। मंत्री जी से मिला है आश्वासन, जो हर मंत्री लोग आश्वासन देते वही मिला है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आश्वासन लेने नहीं आए हैं, विचार करने के लिए नहीं। 119 लड़कियाँ, मैं भी देखिए ड्यूटी करके घर गई हूँ, अभी आई हूँ, ठीक है। 13,000 रुपए सैलरी है ना, जब चाहो तब बुला लिया जाता है। शालिनी मिश्रा।